बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा। अरे सुपर नैनो का पता ही नहीं छिपा के रखी है, ठीक है ना। Hey guys, good morning, a very good morning from Kolkata. This is welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ guys, आप सारे लोग मेरी तरह बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहना guys। और आज vlog की शुरुआत अपनी R15 से हो रही है, क्योंकि R15 में एक दिक्कत है। पहले दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम होकर के रखा है। ये वाली एग्जॉस्ट चेक कर सकते हो, ये ना यहाँ से लूज हो गई है। ये क्या है भाई, ये किसने बांध दिया? तो यहाँ पे ना एक नट होती है, नट बोल्ट होती है, जिससे ना ये टाइट होकर रहती है। तो ये बिल्कुल लूज़ होकर के रखी है, जिसके कारण बाइक जब चल रही है ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नट बोल्ट फिट करवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी सुपर नैनो के पास। और सुपर नैनो पे भाई शूट करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाली व्लॉग आप लोगों ने देखी है तो उस पर मैं लेकर के आया था अपनी सुपर नैनो। भाई जो अपनी कार है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है देखने में, मतलब देख करके ना भाई लोगों को मज़ा ही आ जा रहा है। और यहाँ पर भाई एक ब्यूटीफुल सी क्रूज़ खड़ी है। आहा, अपने पास रेड कलर की क्रूज़ हुआ करती थी भाई। आहा, बहुत मिस करता हूँ यार क्रूज़ को, क्या लग्जरी कार थी यार। बट कोई नहीं, लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं। कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा हो भाई, सबको एकदम अमेजिंग लग रही है देखने में। बहुत सारे लोगों को ना उस पर अभी राइड देना है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई एक बार तो घुमा दो अपनी सुपर नैनो में, क्या फील है, फील करना है सबको। डन, पैसा चाहिए? एग्जॉस्ट अपनी टाइट फिट हो चुकी है, अब भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है या हिलडुल नहीं रही है, अब ठीक है। भाई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना बाइक में तो चलाने में मज़ा नहीं आता है। आप लोगों को पहले बताया था कि अपने घर के पास ना कार रखने की जगह नहीं है, मैं गली के अंदर रहता हूँ, इसी कारण से ना मैं कार अपने फ्रेंड के घर पे छोड़ आया था। भाई फ्रेंड के घर पे ही जा रहा हूँ, वहाँ से कार पिक करूँगा एंड फिर ही शूट करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कि तुम अपने नैनो को सुपर नैनो क्यों बोल रहे हो, तो इसके पीछे भाई 3-4 रीज़न है, वो रीज़न मैं आप लोगों को कार के अंदर दिखा करके फिर ही बताता हूँ। Look at this guys, here is the our super nano. And guys look, check कर सकते हो भाई GoPro में ये कैसी लग रही है देखने में। भाई खतरनाक है, भाई खतरनाक है, पूरा आई कैची है, मतलब जो भी देखेगा भाई दोबारा मुड़ के जरूर देखेगा, इधर किधर जा रहा है, इधर जाना था। तो लोग भी कमेंट सेक्शन में एक बार यार जरूर से बताना कि आप लोगों को हमारी सुपर नैनो कैसी लग रही है, क्या लुक लग रहा है आप लोगों को, प्लीज प्लीज भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोगों का ओपिनियन भाई अपने लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओहो हो, सेट 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 यार सेट। तो लुक एट द व्यू, हियर इज द आवर R15 V4 एंड हियर इज द आवर सुपर नैनो, जो कि भाई अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होकर के रखी है। अभी हम ना एक ताबड़तोड़ चीज करने वाले अपनी R15 और नैनो के बीच में, ड्रैग रेस करने वाले। यहाँ पे देखते हैं कि कौन पहले भागती है, कौन स्पीड में भागती है। रुक जा इसको स्टार्ट करने दे। तो गाइस मैं हूँ अभी नैनो में, यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल दिया। अरे भाई रुक चल खींचते हैं, चल 3-2-1। भाई साहब क्या खतरनाक भागी। तो अभी हमने बाइक को रख दिया है और अभी हम दोनों भाई यहाँ पे, विशाल भाई डिलीवरी में कैसा मजा आया था बता दे। एक नंबर था भाई, एक नंबर डिलीवरी हुआ भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी। बस क्यों रहा है भाई, सुपर ऐसे प्राउड अच्छा था भाई। सबसे अच्छी चीज ये देखो क्या हॉर्न है भाई, क्रेटा देखो ना, क्रेटा ये ज्यादा हो गया, क्रेटा का हॉर्न है जो है सच है, ठीक है ना, झूठ मत बोल, BMW का हॉर्न नहीं है। मतलब कोई अगर जो अपनी कार ना देखे और सिर्फ हॉर्न सुने ना तो लगे भाई कितनी बड़ी गाड़ी बाहर से आ रही है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे गुनगुन बहुत दिनों के बाद, और साथ में रूमी भी आई है, देख रहे हो खाना वाना लेकर के आई है पूरा। ये कचरा है घर का जो फेंकना है बाहर। सच में कचरा है क्या? हाँ। तो चिकन किस में है? अच्छा चिकन है। पता नहीं ये गाड़ी का क्या नाम है, सुपर नैनो। सबको गाइस ये लोग ना बहुत दिन बाद मिलती है, ये लोग लास्ट कब मिली थी, जब वो सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्सिंग किए थे तब, उसके बाद अभी आ गए। ऐसे तो बीच में मिलते ही रहते हैं पर व्लॉग में बहुत दिनों के बाद आ रही है। अभी हम लोग सबसे पहले आ गए यहाँ पे देखो क्लीन सिटी में, क्योंकि गंदगी फेंकना है। देखो उधर से दरवाजा खोल, ये ना वो फैमिली वाली लड़की है, घर का कचरा वचरा सब लेकर के आई है, एक बार में सारा काम निपटा के
घर चले जाए। एक्चुअली गाइस मेरे को मल्टीटास्क बहुत पसंद है। ये वाला जो होंडा सिटी है ना आई वी टेक वाली, ये बहुत अच्छी लगती है। प्लानिंग यही है कि या तो होंडा सिटी ले लेंगे या तो वरना ले लेंगे, बट जब पैसे आएंगे अभी तो पैसे वैसे नहीं है। गर्मी लग रहा है यार अंदर, एसी काम नहीं कर रहा है। एसी मतलब काम कर रहा है बट क्या ना कि आदमी ज्यादा हो गया। ये वाली वरना का मैं बात कर रहा था, वरना 1.4 है शायद ये वाली। ये वरना और इधर पे ये होंडा सिटी है। एवेंजर पे देख रहा कैमरा ही पूरा घुमा दिया, शर्मा जाएगा भाई वो लोग। ये लोग तो ऐसे स्माइल कर रहे देख के जैसे बहुत क्यूट है ना। पेट्रोल देना पेट्रोल डाल देना। ठीक है सामने टैंक के सामने सामने। अरे सुपर नैनो का पता ही नहीं चला। सबका दिल खुश हो गया जा रहे दीदी। भाई एक छोटा सा नैनो डुक के सबका मतलब फेस पे स्माइल ला दिया है कि नहीं। सुपर नैनो सुपर क्या बोल रहा है, सुपर नैनो नैनो बोलना पाप है। ये टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई, ये ऐसे टेढ़ा। लेट्स गो गाइस, हियर इज द बाईपास। भाई चला गया वो, चला गया इंटरसेप्टर पर। भाई एक बंदा था ऐसे थम्स अप दिखा के चला गया, ठीक है ना, पकड़ने का कोशिश करता हूं। उसका 650 है भाई, 650 का बाइक है, मेरा 625 सीसी है। फिर भी हाथ दिखा के गया ना, फिर भी हाथ दिखा के गया। ठीक है ना, कहाँ घूम रहे हो? कैसा लग रहा है बताओ? कांग्रेचुलेशन दो। किस बात का? ये गाड़ी लिया यार। देखो वहाँ पे एक नैनो खड़ा है, बट वो नैनो है, वो सिर्फ नैनो है। ये है सुपर नैनो, सुपर नैनो। ये लड़की बाइक चला रही है। पापा वहाँ पे देखो, वाओ रिएक्शन देखो रिएक्शन। गाइस लोकेशन चेक कर सकते हैं और अभी इसका टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस रोड पे हम लोग टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं। थर्ड गियर पे 60। जिसको मारना है गाड़ी के साथ आ सकते हैं। टॉप स्पीड चेक करते करते ना ये लड़की को भी चेस कर रहा हूँ। ये देखो पल्सर 180 पे ना। भाई भाई पल्सर 180 पे कोई एक लड़की है मस्त, मतलब ऐसे कट मार करके गई, उसी को चेस कर रहा हूं। टर्निंग ले रही है भाई, देख भाई सुला के टर्निंग ले रही है। आईफिल टावर पे घूमने उमने के बाद, रील्स वगैरह फोटो शूट करने के बाद अभी हम लोग आकर के पहुंचे हैं एड बॉक्स में। और यहाँ पे एज यूजुअल हम लोगों ने लिया है पाव भाजी, और ये जो चिकन लेकर के आई थी ये खाने नहीं दे रही है, छिपा के रखी है। ठीक है ना, ओके नाइस। ये है एक्स्ट्रा पाव और ये पाव भाजी खाना। इतना अच्छा लग रहा है हमको तो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। लेकिन और आदमी क्या बोले ना बोले हमको पता नहीं। हाँ जी, लेकिन जो कलर जो किया है हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत यूनिक लग रहा है ना, ब्यूटीफुल, पूरा मल्टी कलर में है ना, मतलब दूर से आँख से चमकता है ना। लेमन चिकन क्या? लेमन चिकन है यहाँ पे, पराठा है यहाँ पे। भाई टिशू और पानी लेकर के आया, और पाव भाजी हमारा खत्म हो चुका है। पाव भाजी पेल दे, ये लो ये टिशू पकड़ो। कहाँ से पकड़े, कितना हाथ है मेरा। चलो गाइस बुरा तो गाइस अभी मैं एडिट करने के लिए बैठा था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली जो व्लॉग है जो आप लोगों के फेस पे थोड़े से स्माइल लाने के लिए मैंने बनाई, आप लोगों को जरूर से पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया जरूर से लाइक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि मतलब मैं अपने औकात पे आ गया, मतलब ये जो नैनो खरीद लिया तो यही मेरा औकात है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, अभी भगवान ने इसी यही मेरे को दिया है तो भाई मैं इसी में घुस हूँ, ठीक है ना।
अब भगवान जब मेरे को बढ़कर देंगे तो मैं उसमें खुश रहूंगा। भगवान ने दिया था, कुछ मेरी गलतियों के कारण, कुछ किस्मत का खेल, बट ठीक है यार, किसी ना किसी दिन और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तब बताएंगे क्या है औकात अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीजन के लिए राइट सेफ राइड एंजॉय डे। बाय बाय।